हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं और चैम्स लिमिटेड के बारे में, जो कि काफ़ी लोगों के ये इसमें फोकस में रहता है ये पेनी स्टॉक में। और इसका क्वार्टर रिजल्ट जल्दी ही डिक्लेयर होने वाला है, वो एंटिसिपेशन में इसमें फिर से ऊपर जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसका फ्राइडे का क्लोजिंग था 8 रुपीज़ 30 पैसा, एंड हम लोग जानेंगे कि इस शेयर का क्वार्टर रिजल्ट कैसा आ सकता है, हमने इसको क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसका फ्राइडे का क्लोजिंग था 8 रुपीज़ 30 पैसा और 52 वीक हाई था 12 रुपीज़। इसका पी है 114 का, पी ज़्यादा है बट ठीक है, पेनी स्टॉक है वो हिसाब से पी थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा हम लोगों को। इसका ईपीएस है 0.07, ईपीएस पॉजिटिव है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0, कंपनी पे कोई भी डेट नहीं है, ये पॉजिटिव बात है। और चैम्स लिमिटेड के बारे में प्रोमोटर होल्डिंग इज 19%। एंड फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका अगर हम लोग एक ऑब्जर्वेशन करेंगे कि इसके लास्ट 4 क्वार्टर्स कैसे थे, तो दिसंबर 2020 में इसको लॉस था 35 लाख रुपीज़ का। उसके बाद में मार्च 2021 में प्रॉफिट हुआ 56 लाख रुपीज़ का। बाद में जून 2021 में प्रॉफिट हुआ 27 लाख रुपीज़ का, एंड सितंबर 2021 में प्रॉफिट था 24 लाख रुपीज़ का। तो फ्रेंड्स, लास्ट 3 क्वार्टर से कंपनी लगातार प्रॉफिट में है। इसके कारण ये शेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका दिसंबर क्वार्टर भी हो सकता है पॉजिटिव में ही आए हैं। इसका दिसंबर क्वार्टर अगर 30 लाख से लेकर 50 लाख रुपीज़ के बीच में भी आया तो ये शेयर 12 रुपीज़ के भी लेवल अपने पार कर सकता है, जो कि इसका 52 वीक हाई है। अभी 8 रुपीज़ 30 पैसे में मिल रहा है। आप थोड़े बहुत शेयर आपके कैपेसिटी के हिसाब से बिफोर Q3 बाय करके रह सकते हैं। और इसका क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है 11th ऑफ फेब्रुआरी को, 11th ऑफ फेब्रुआरी को, और चैप्स का क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है, तो उसके पहले आप इसको थोड़े बहुत शेयर्स बाय करके ले रख सकते हैं। अगर इसका रिजल्ट अच्छा आया तो ये शेयर और भी आगे ऊपर जा सकता है, तो थोड़ा बहुत शेयर बाय करके आप इसमें क्वार्टर रिजल्ट तक इंतजार कर सकते हैं आफ्टर योर स्टडी। थैंक यू फ्रेंड्स।